मेरी बेनती है जी, अज मैं एक निमाणे सिख वजो श्री अकाल तख्त साहब के सकत्रत विच पेश होके जिहड़ा मैथों अणजाणे विच गुनाह होया है उहदे वास्ते जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने बेनती की है कि जो भी धार्मिक परंपरावां दे मुताबक मेरे विरुद्ध कार्रवाई बनती है वो कृपा करके करन दी कृपालता की जाए। हुण जिहड़ी मैथों अवग्या होई है, गुनाह होया है कि 2004 दे विच उस समय दे जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब सिंह साहिब ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी वदांती अते बाकी होर सिंह साहिबान ने जिहड़े जोगिंदर सिंह ने स्पोक्समैन वाले उन्हां दियां सिख विरोधी हरकतां करके सिखी उत्ते हमले करन करके उन्हां नूं 5 फरवरी 2004 नूं तनखाइया करार दिता गया सी ते उन्हां नूं 10 मार्च 2004 नूं पेश हो के माफ़ी मंगण ते तनखाह लवाउण वास्ते मौका दिता सी, पर उन्हां ने उस हुक्म दी उलंघना कीती, उलंघना ही नहीं कीती, उहदी खिल्ली उड़ाई ते अखीर 10 मार्च 2004 नूं श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों उस समय दे सिंह साहिब जथेदार ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी वदांती अते बाकी होर सिंह साहिबानां वल्लों जोगिंदर सिंह स्पोक्समैन नूं सिखी चों खारज कर दिता गया ते उहदे नाल समूह सिख संगत नूं हुक्म कीता गया कि कोई भी सिख जोगिंदर सिंह स्पोक्समैन दे नाल किसी भी तरह की सांझ रोटी बेटी की सांझ नहीं रखेगा। उहदियां जिहड़ियां प्रकाशनावां ने जां जिहड़ा उहदा अदारा आ उहदे नाल भी सीधे जां असिधे रूप 'च किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखेगा। पता नहीं क्यों मेरे वर्गे भी एक गुरु दे सेवक कोलों अणजाणे विच भुल्लां होईयां कि मैं भी रोज़ाना स्पोक्समैन दे नाल उस अदारे दे नाल किसी ना किसी रूप 'च जुड़िया रहा, अपने बयान दिंदा रहा, इंटरव्यू दिंदा रहा रोज़ाना स्पोक्समैन नूं। मैं पिछले दिन ही श्री अकाल तख्त साहिब दे हुक्मनामे किताब पढ़ रहा सी, उहदे च जदों ये हुक्मनामा आया तो मैनू सही जिही अनुभव हो गया कि मैं भी इस हुक्मनामे की उलंघना की है तो मैं गुनाहगार। तो इहदा इको एक हल है कि मैं श्री अकाल तख्त साहिब नूं बेनती करा तो जो सेवा बनती है, जो सज़ा बनती है, जो मेरे विरुद्ध कार्रवाई बनती है वो श्री अकाल तख्त साहिब मेरे विरुद्ध करके मैनू मेरे गुनाह दे गुनाह तो मुक्ति दिती जाए। आ हुक्मनामा आ जिहड़ा 10 मार्च 2004 दा है ते जिहड़ी मैं अज चिट्ठी लिखी है, अर्जी दिती है, बेनती कीती है जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब नूं, उहदे च मैं अंदराज कीता है श्री अकाल जी सहाय सेवा विखे सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब श्री अमृतसर, सत्कारयोग जथेदार जीओ, बेनती है कि मैं एक अमृतधारी सिख हाँ, मेरे तो अणजाणे विच श्री अकाल तख्त साहिब दे हुक्मनामे की उलंघना हुई है, उस उलंघना का मेरे मन ते भारी बोझ है। मैं 6वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे तख्त तो जारी होए हुक्मनामे की हुई अवग्या लई पश्चाताप करना चाहुंदा हाँ। मिति 5 फरवरी 2004 नूं उस समय दे जथेदार
सिंह साहब ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी वेदांती ते बाकी होर चार सिंह साहिबाना वालों रोजाना स्पोक्समैन अदारे दे मुखी जोगिंदर सिंह नूं सिखी सिद्धांतां सिख इतिहास रहित मर्यादा सिख परंपरावां अते सिख संस्थावां नाल संबंधित महत्वपूर्ण विषयां जिवें कि सिखी दे मुढ़ले सिद्धांत नितनेम अमृत संचार दीआं बाणीआं पंच प्रधानी गुरमत सिद्धांत श्री अकाल तख्त साहिब दे इतिहास मर्यादा जारी होए हुक्मनामिया श्री हरिमंदर साहब जी की मर्यादा ते 18वीं सदी के गौरवमई सिख इतिहास में बिगाड़ के पेश करन संबंधी अते गुमराहकुन लिखतां प्रकाशित करन करके तनखाइया करार दिता गया सी। जोगिंदर सिंह स्पोक्समैन नूं 10 मार्च 2004 नूं श्री अकाल तख्त साहिब विखे निजी तौर पर पेश होकर भुल्लां बख्शा के तनखा लगवाउण लई हुक्म कीता सी। जोगिंदर सिंह स्पोक्समैन ने हुक्मनामे की पालना करन दी थां उल्टा अदालती कार्रवाई करन दे कानूनी नोटिस दे के बेअदबी ते हंकार भरी शब्दाल विच लिखतां लिख के अपनी पंथ विरोधी सोच की होर प्रोढ़ता कर दी। उक्त दोषां करके जोगिंदर सिंह स्पोक्समैन नूं 10 मार्च 2004 नूं सिख पंथ चों खारज करन दा उस समय दे श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती ते बाकी होर चार सिंह साहिबाना वालों पंच प्रधानी जुगत राही हुक्मनामा जारी कर दिता गया जो अज तक भी लागू है। इस हुक्मनामे विच समूह सिख संगतां नूं हुक्म कीता गया सी कि जोगिंदर सिंह स्पोक्समैन नाल रोटी बेटी की सांझ ना रखी जाए अते उस दे अदारे स्पोक्समैन अते उस वालों संपादित लिखतां ते प्रकाशनामा आदि नूं किसी किस्म का कोई भी सहयोग ना दिता जाए। सत्कारयोग सिंह साहिब जीओ मैं अणजाणे विच जोगिंदर सिंह दे अदारे दे चैनल रोजाना स्पोक्समैन ते अखबार रोजाना स्पोक्समैन विच अपनियां इंटरव्यूज़ बयान आदि दिंदा रहा हाँ। मैं महसूस करदा हाँ कि अजिहा करके मैं श्री अकाल तख्त साहिब दे 10 मार्च 2004 दे हुक्मनामे दी उलंघना कीती है। मैं इस होई उलंघना संबंधी पश्चाताप करना चाहुंदा हाँ। कृपा करके मर्यादा अनुसार कार्रवाई कीती जावे। सत्कारयोग जथेदार साहिब जीओ मैं ये भी महसूस करदा हाँ कि जिवें जोगिंदर सिंह स्पोक्समैन विरुद्ध जारी हुक्मनामे की मेरे को उलंघना हुई है उस तरह ही कई होर सिखों को भी अणजाने जोगिंदर सिंह स्पोक्समैन के अदारे सांझ रखने की अवग्या हुई होगी। जितों तक मैं देखा है कि वख-वख राजनीतिक पार्टियां जिन्हों समूह श्रोमणी अकाली दल कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आदि राजनीतिक पार्टियां के लगभग समूह प्रधाना वर्करा कोलों अते होर वख-वख धार्मिक समाजिक किसान आदि जथेबंदियां नाल नाल संबंधित सिख आगूआं अते सिख वर्करा कोलों भी इस हुक्मनामे की उलंघना हुई है। सत्कारयोग जथेदार साहब जी मैं देखिया है कि इस अदारे वालों कई मौजूदा सिंह साहिबाना कई सबका सिंह साहिबाना कई सिख शिक्षित अते कई होर सिखा दी इंटरव्यूज़ भी हुक्मनामा जारी होने तो बाद वड्डे पद्धर ते कीतियां गईयां अते जोगिंदर सिंह स्पोक्समैन के अदारे दे वैब चैनल रोजाना स्पोक्समैन विच टैलीकास्ट कीतियां गईयां हन। इन्हां अहम गुरसिख शख्सियतों के बयान भी रोजाना स्पोक्समैन अखबार विच छपदे रहे हन। कई सिख बच्चे बच्चियां अणजाणे विच ही रोजाना स्पोक्समैन अदारे विच बतौर पत्रकार जां मुलाजम के तौर पर नौकरी करके भी हुक्मनामे की उलंघना कर रहे हैं। कृपा करके इस हुक्मनामे अते श्री अकाल तख्त साहिब तो जारी हर हुक्मनामे सख्ती नाल लागू किया जाए। सनिमर बेनती है कि मेरे वालों इस संबंधी होई अवग्या लई पंथक परंपरावां मुताबक योग कार्रवाई की जाए। गुरु पंथ का दास विरसा सिंह बुलटो जिहड़ी मैं सिंह साहिब जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी नूं कीती है हुण इस संबंधी जो भी योग कार्रवाई होगी सिख परंपरावां दे मुताबक सिख सिद्धांत दे मुताबक वो अगली वो जथेदार साहिब होरी करनगे। तो मेरी यही बेनती है कि पता नहीं कुछ माहौल ही इस तरह का सिरज दिता गया कि असी श्री अकाल तख्त साहिब दे उस जारी होए हुक्मनामे दी जे मेरे वर्गे कोलों बग्या हो सकती है तो जिस तक मैं देखिया कि बड़े वड्डे पद्धर ते उस हुक्मनामे की उलंघना हुई है अणजाणे च हुई है जाण के हुई है पर जिहदे कोलों भी हुई है उन्हां नूं अगे आण के श्री अकाल तख्त साहिब ते पेश होकर खिमा जाचना जरूर करनी चाहिए।